हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूर्ति वुड फ्लोर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई एम उपेंद्र चौधरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियोस के अंदर आपको बताया हुआ है कि लेमिनेट फ्लोरिंग क्या होती है, हार्डवुड फ्लोरिंग क्या होती है, इंजीनियर फ्लोरिंग, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वुडन फ्लोरिंग इन अवर पास्ट वीडियोज। बट इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी प्योर नेचुरल हार्डवुड फ्लोरिंग होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की वुडन फ्लोरिंग मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, और उसमें जो वुडन फ्लोरिंग उसका बेस्ट यूसेज क्या होता है, यानी कि जो प्योर नेचुरल वुडन फ्लोरिंग होती है उसको हम किस किस जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, उसके क्या बेस्ट एप्लीकेशन हो सकते हैं, और उसके जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स में मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको अपने किसी ना किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे, जो कि आपको वीडियो की पूरी एक जो इंपॉर्टेंस है वो आपको नहीं मिल पाएगी। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर नेचुरल वुडन फ्लोरिंग की। प्योर नेचुरल वुडन फ्लोरिंग नॉर्मली जो इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है वो दो फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होती है। एक फॉर्मेट होता है जो प्योर प्रीफिनिश फॉर्मेट के अंदर आती है। यू आर सीइंग दिस प्रोडक्ट बेसिकली, दिस इज़ प्योर सॉलिड हार्डवुड US वॉलनट फ्लोरिंग। ये बेसिकली जो यू नो फ्रेंड्स की जो वॉलनट एक वुड होती है वो अखरोट जिसे हम अपनी कह सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में, कि ये बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत ही रेयर टू रेयर होती है। ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है बेसिकली। सो आप इसको देख रहे हैं, ये प्रीफिनिश फॉर्मेट के अंदर होता है और 18 mm थिकनेस के अंदर ये अवेलेबल होता है। ये दोनों साइडों से ये टंगन ग्रुप होता है। एक्चुअली इसमें जो नॉर्मल हमारी हार्डवुड फ्लोरिंग होती है वो फ्लैट फॉर्मेट के अंदर भी आती है, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो टंगन ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली टंगन ग्रुप होती है एंड 18 mm थिकनेस के अंदर ये अवेलेबल होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो हार्डवुड फ्लोरिंग के अंदर जो स्पेसीज अवेलेबल होती है जो इंडियन मार्केट के अंदर, वो US वॉलनट होती है, नेचुरल ओक होती है, नेचुरल टीक होती है, इसके अलावा कार्बेटियर टीक होती है। मतलब देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसीज आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट विच इज़ अवेलेबल इन प्रीफिनिश फॉर्मेट। क्योंकि नॉर्मली जब हम प्रीफिनिश फॉर्मेट की बात करते हैं सो उस फॉर्मेट में ये होता है कि आपको जो वुडन फ्लोरिंग आप यूज करने जा रहे हैं घर के अंदर वो बेसिकली प्रीफिनिश्ड होती है, यानी उसमें आपको किसी तरह का कोई भी अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। वो बॉक्स के अंदर बिल्कुल पैक्ड होती है एंड उसके आप वो रेडी टू यूज के लिए वो अवेलेबल होती है। अदर स्पेसीज की अगर बात करें तो अदर स्पेसीज में हमारे पास जैसे अभी आप ये देख रहे हैं बेसिकली दिस इज ओक, दिस इज नेचुरल ओक, वाइट ओक, इस तरह से की जो स्पेसीज होती हैं वो आप देख सकते हैं। सो ये अभी मैं जो आपको ये बेसिकली प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ दैट इज ओक कोगनैक, इसको ओक कोगनैक बोलते हैं। इसको बेसिकली स्टेन किया गया है, जो ओक की जो स्पीसीज है वो ये है, लेकिन इसको ऊपर से स्टेन कर दिया गया है। इसके अलावा हम ओक की ही दूसरी सीरीज आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आप ये देखिए दैट इज़ नेचुरल ओक। इसके अंदर किस तरह का कोई स्टेन वगैरह नहीं है, ये नेचुरल फिनिश इसको दिया गया है। ये प्योर वुड है, इसके अंदर भी किसी तरह का कोई कंपोजिशन नहीं है। 100% ये भी टंगन ग्रुप होती है एंड इसको लगाने का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि जो प्रीफिनिश्ड हार्डवुड फ्लोरिंग होती है फ्रेंड्स, उसको लगाने के दो प्रोसेस होते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम डे बाई डे हम अपने रूटीन ऑफिस वर्क के अंदर फेस करते हैं कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है हार्डवुड फ्लोरिंग को लगाने का। सो बेसिकली देर आर टू काइंड्स ऑफ द प्रोसेस विच यू कैन यूज़ इन इंस्टॉलेशन। फर्स्ट वन जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जैसे लेमिनेट फ्लोरिंग लगाते हैं, लेमिनेट फ्लोरिंग की तरह आप हार्डवुड भी लगा सकते हैं। 2 mm या 4 mm की मतलब नॉर्मल फॉर्म होती है, और ईपे फॉर्म उसको बोलते हैं बेसिकली, उसको आप नीचे सोक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप इसको टंगन ग्रुप, ये बेसिकली होती है उसकी टंगन ग्रुप, इसको आपस में इंटरलॉक करके इसको लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेस उतना बेस्ट नहीं होता है, ओवर द टाइम इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स इन केस क्या आती हैं कि जो हमारी वुडन फ्लोरिंग हमने इंस्टॉल की है उसमें ओवर द टाइम बीच में गैप्स आ जाते हैं, जो आप फोटो में देखेंगे हमने एक दो गैप्स आपको दिखाए हुए हैं। सो उस तरह के आपको ओवर द टाइम गैप्स दिखाई देंगे, क्योंकि वुड है, हालांकि ये जो वुड है पूरी सीजन होती है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही माइनर एक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो उस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर हम नॉर्मल फॉर्म के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम इसका जो बेस्ट तरीका होता है हार्डवुड को लगाने का वो होता है हार्डवुड फ्लोरिंग शुड बी इंस्टॉल्ड विद द हेल्प ऑफ प्लाईवुड। अगर प्लाईवुड के साथ आप इसको लगाएंगे तो प्लाईवुड में क्या होता है कि जहाँ पे आप इसके टंग देख रहे हैं, ग्रुप्स देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम इसके एक हेयरलेस नेल्स
आते हैं उन हेडलेस नेल्स को हम नीचे प्लाई में इंसर्ट करते हैं। बेसिकली जब हम हेडलेस नेल्स की हेल्प से इसको प्लाईवुड में नेल्स करने के बाद जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें गैपिंग नहीं आएगी क्योंकि वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाती है। और ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो उससे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मैं अगर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको सजेस्ट करता हूँ तो मैं इसी प्रोसेस को सजेस्ट करता हूँ क्योंकि हम अपने डिफरेंट साइड्स पे हम अपने इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं हार्डवुड फ्लोरिंग के लिए। सो फ्रेंड्स अभी हमने हमारा जो कैटेगरी वन चल रही थी कि हमारे पास जो प्रीफिनिश हार्डवुड फ्लोरिंग होती है उसके अंदर क्या क्या स्पीसीज होती हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया। दूसरा जो हमारा हार्डवुड फ्लोरिंग के अंदर जो हमारे पास वुड अवेलेबल होती है दैट इज़ प्योर नेचुरल टीक वुड। ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये नेचुरल टीक फ्लोरिंग होती है। ये अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो 38 mm साइज़ के अंदर अवेलेबल है और ये अभी दैट इज़ नॉट फिनिश्ड दैट इज़ अनफिनिश्ड बिकॉज इसको हम ये क्या होती है हमारी इंडियन वुड होती है। इस इंडियन वुड को हम क्या करते हैं पूरा एक प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पूरी हमारी जो रॉ मटेरियल को हम प्रोक्योर करके उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के अंदर उसको कट किया जाता है। कट करने के बाद में एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज में क्या होता है कि हम इसको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। और ये एक टीक फ्लोरिंग ऐसा प्रोडक्ट है प्योर नेचुरल वुड के अंदर जो 100% कस्टमाइज हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी साइज आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये इंपोर्टेड नहीं है ये इंडियन प्रोडक्ट है। और इंडियन प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वुड होती है टीक वुड जो आप अपने बेडरूम की वॉल्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसका बेस्ट यूसेज होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर होता है लाइक ऑडिटोरियम स्टेज फ्लोरिंग के अंदर होता है या जो बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग होती है उसमें भी हम इसको रिकमेंड करते हैं टीक फ्लोरिंग को। सो अगर इंडियन टीक फ्लोरिंग की बात की जाए सो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्लोरिंग के लिए या वॉल क्लैडिंग के लिए इंडोर के लिए। और इसके अलावा आप इसको अपने ऑफिसेज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसको हम जब लगाते हैं तो लगाने के टाइम पे इसको जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले इसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं अभी आप देख रहे हैं इसे बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं बेसिकली इसके अंदर। इन स्ट्रिप्स को क्या करते हैं कि हम पेस्ट करते हैं सबसे पहले इसको एडहेसिव की हेल्प से पार्केट एडहेसिव की हेल्प से पेस्ट किया जाता है। पेस्ट करने के बाद में इसकी 3 फेज की ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग में क्या होता है हम 36, 60 और 120 3 फेज की उसकी हेल्प से इसको ग्राइंड करते हैं और देन उसके ऊपर से हम इसको लेकर या जो भी पीयू पॉलिश होता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मतलब पॉलिश का टच देते हैं और उसको फाइनल फिनिशिंग की मतलब पोजीशन में उसको मतलब जो है हैंड ओवर करते हैं। सो मेन पॉइंट यहाँ पर ये उठता है मेन पॉइंट यहाँ पर ये रेज होता है कि जब इसकी ग्राइंडिंग होती है नेचुरल टीक फ्लोरिंग की उस समय बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है। डस्टिंग में क्या होता है कि अब वो बहुत बड़ी अगर कोई साइट है हमारे पास 1000 या उससे 5000 10000 मोर देन मतलब 10000 स्क्वायर फीट की जो हमारे पास साइट्स होती हैं वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स अवेलेबल होती हैं जो पूरी ग्राइंडिंग के ड्यूरिंग जो भी डस्टिंग होती है उसको कंट्रोल करती हैं जैसा कि हम पिक्चर्स के अंदर आपको हमने ग्राइंडिंग मशीन दिखाया हुआ है। लेकिन अगर हम कोई स्मॉल क्वांटिटी है बिलो 1000 स्क्वायर फीट सो उस केस में क्या होता है कि हम उस मशीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उतना बड़ा एरिया भी नहीं होता है और उसमें उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी एक मतलब एनी हाउ थोड़ा ज़्यादा ही आती है। सो उस केस में हम अगर ग्राइंडिंग मशीन जब यूज़ नहीं करते हैं मतलब एक जो डस्टिंग को कंट्रोल कर सके सो उस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है पूरा घर के अंदर डस्टिंग वगैरह ज़्यादा रहती है। लेकिन वो ओवर द टाइम बिल्कुल ड्राई डस्ट होती है आप उसको इमीडिएटली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक तरीका होता है टीक फ्लोरिंग को लगाने का ये बिल्कुल बेस्ट और ट्रेडिशनल तरीका होता है। यही सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर इसको फॉलो किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है कि आप इसको इस मेथड के थ्रू अगर आप लगाते हैं सो जो वुड है उसकी मतलब जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओवर द टाइम इसको आप रीग्राइंड रीपॉलिश भी कर सकते हैं और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसकी जो लाइफ है और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने आपको हार्डवुड फ्लोरिंग के जो दो फॉर्मेट होते हैं प्रीफिनिश्ड और अनफिनिश्ड उसके बारे में बताया कौन सा बेटर है वो आप अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और अपने वीडियोस के अंत में
अपने अपनी फीडबैक अवश्य दें कि आपको हार्डवुड फ्लोरिंग बेटर लगती है या लेमिनेट ज़्यादा आपको बेटर लगती है, या इन दोनों में से आपको, आपके माइंड में अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है, देन आप हमारे टीम से या आप हमारे जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इन पर कॉल कर सकते हैं, हमें अपना फीडबैक बाई ईमेल सेंड कर सकते हैं, ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन फ्रेंड्स।